गाइज, लास्ट ईयर अक्टूबर में सैमसंग ने गैलेक्सी S20 FE लॉन्च किया था, जो कि S20 सीरीज का चीपेस्ट स्मार्टफोन है और यह अग्रेसिव प्राइस में काफी कमाल के स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। लेकिन सैमसंग ने इंडिया में इसका 4G वेरिएंट ही लॉन्च किया था। वेल गाइज, अभी सैमसंग इसके 5G वेरिएंट को नेक्स्ट वीक इंडिया में लॉन्च करने वाला है, जिसमें स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर दिया गया है। और दोस्तों, इसको लेकर एक और काफी इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आ रही है कि सैमसंग इसका प्राइस काफी अग्रेसिव रखने वाला है। वेल, अभी देखा जाए तो सैमसंग वीवो की X60 और OnePlus की 9 सीरीज को कम्पीट करने के लिए इसे मार्केट में उतारने वाला है। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G के सभी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। साथ ही वीडियो के एंड में बात करेंगे इसके प्राइस और इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो इससे पहले, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही टेक वीडियोस मिलती रहें। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं S20 FE की डिस्प्ले के बारे में। तो यह 6.5 इंच की FHD प्लस रेजोल्यूशन वाली डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसमें 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी। साथ ही इसमें HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो सैमसंग के स्मार्टफोन्स में बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिलती है और यह स्मार्टफोन काफी कमाल के डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं अब इसके कैमराज के बारे में बात करें तो इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिनमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। इसके साथ में 12 मेगापिक्सल का ही वाइड एंगल मेन कैमरा देखने को मिलता है, जो कि OIS के सपोर्ट के साथ आता है। साथ ही एक 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है और यह भी OIS के सपोर्ट के साथ आता है। वहीं इसके फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा छोटे से पंच होल कटआउट में देखने को मिलता है। तो ये काफी अच्छे कैमरा कॉम्बिनेशन के साथ आता है, जिससे आप हर कंडीशन में शार्प फोटोज कैप्चर कर पाएंगे। जहां पर अब इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यह स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के साथ आएगा, जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है और यह ऑलमोस्ट सभी 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। तो यह एक फ्यूचर प्रूफ 5G स्मार्टफोन हो जाता है। यह 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के बेस वेरिएंट के साथ आएगा और इसमें 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज का एक हायर वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अभी बात करते हैं एक मोस्ट पॉपुलर अर्निंग ऐप टैक्सल के बारे में। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और आपका प्रेडिक्शन IQ लेवल काफी अच्छा है, तो आप इस ऐप से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसमें जीतते हैं तो इसमें आपको 9 गुना पैसा मिलता है। आपने इसमें 10 रुपये इन्वेस्ट किए तो जीत के बाद आपको 90 रुपये की अर्निंग होगी। स्मार्ट अर्निंग के लिए एक बार लास्ट विनिंग प्लेयर के नंबर को जरूर चेक कर लें। यह तो हुई अर्निंग ऐप की बात। अभी बात करते हैं S20 FE की बैटरी कैपेसिटी के बारे में। तो यह 4500 mAh की बैटरी के साथ आएगा, जिसको चार्ज करने के लिए बॉक्स में 25 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यह 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग और वायरलेस रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो यह एक काफी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। इनके अलावा इस स्मार्टफोन में वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस के लिए IP68 रेटिंग, डुअल स्टीरियो स्पीकर, USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और सैमसंग की नॉक्स सिक्योरिटी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो सैमसंग ने S20 FE में वो सब कुछ पैक कर दिया है जो सैमसंग के फैंस एक स्मार्टफोन में देखना चाहते हैं। तो अब फाइनली बात करते हैं इसके लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। तो इसकी इंडिया में 30 मार्च से फर्स्ट सेल स्टार्ट होने वाली है और इसके बेस वेरिएंट का प्राइस 40,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अफोर्डेबल फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है। तो गाइज, ये थी गैलेक्सी S20 FE 5G की सभी डिटेल्स। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऐसी ही टेक वीडियोस मिलती रहें। हम मिलते हैं आपको एक और न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।